कराची में पहाड़ी पर कायम जिंदा वली का मजार शहीद करके रोड बनाने की हुकूमती कोशिश कैसे नाकाम हुई? इंतजामिया ने ऐसा क्या देखा कि काम छोड़ दिया? लोग सांपों की जोड़ी को दूध पिलाने क्यों आते हैं? और मजार पर रखे चराग के तेल से मरीजों का इलाज कैसे हो जाता है? आज हम रिपोर्ट में इन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। हजरत अय्यूब अली शाह बुखारी की हैरान कुन करामात ने हमें मुतवज्जा कर लिया। पहाड़ी पर कायम तकरीबन 350 साल पुराने इस मजार पर जाने के लिए तकरीबन 350 सीढ़ियां ही चढ़नी पड़ती हैं। हजरत अय्यूब अली शाह बुखारी बुखारा से तशरीफ लाए थे और आप आशिके मोहम्मद व आले मोहम्मद थे, बस अकीदतमंद इतना ही जानते हैं। लोगों को शजरा नसब, तारीख विलादत और विसाल के बारे में कुछ मालूम नहीं, लेकिन यहाँ हाजिरी देने वाले जिंदा वली की उन करामात के कायल हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी है। केडीए की यहाँ पे कटिंग हुई। अच्छा, ये तकरीबन टोटल इंडस्ट्रियल जोन है, केडीए की प्लॉटिंग है। तो केडीए के कुछ अफसरान आए, उन्होंने बोला भाई हम इस पहाड़ी को लेवल करना चाहते हैं। पीछे तकरीबन लेवल का काम चल रहा है ज़मीन के ऊपर ना, पहाड़ियों को लेवल वगैरह किया जा रहा है। तो क्रेनें वगैरह आई थी, आप ये देख रहे हैं ये डबल रोड, ये बिल्कुल डबल रोड, ये दरगाह के बिल्कुल पहाड़ी के बीच में आ रहा है। तो गवर्नमेंट की ज़िद थी कि हम यहाँ डबल रोड बनाएंगे, इस पहाड़ी को क्लियर करेंगे, सामने वाले डबल रोड से कन्वर्ट करेंगे उस डबल रोड को। तो इत्तेफाक अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो मशीनरियाँ ही हैवी मशीनरियाँ पहाड़ को काटने के लिए, इत्तेफाक से उनकी मशीनरियाँ बंद हो गई। वो काम करने आते तो उनसे काम नहीं होता था, मशीनरी उनकी बंद हो जाती थी। अब उनको जब मशीनरी ने काम करना छोड़ दिया, काफ़ी उन्होंने कोशिश की लेकिन मशीनरी उनकी काम नहीं कर रही थी, लेकिन वो भी समझ गए कि यहाँ वाकई किसी अल्लाह के वली का बसेरा है। तो ये अल्लाह वालों की करामत है। गवर्नमेंट का तो पूरा जोर था कि हम यहाँ पे इसको भी प्लॉट बना दें, इसको भी लेवल करें। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ, जो गवर्नमेंट आई थी वो चली गई अपने तौर पे, वो भी मान के कि यहाँ वाकई अल्लाह पाक के वली हैं, बुखारी ख़ानदान से ही है। ये बुखारा से आए थे, ये जो हैं ये सैयद भाई सैयद हैं, बुखारी सैयद हैं। मजार के साथ गाजी अब्बास अलमदार का अलम नस्ब है, जबकि कई लाल सफेद और दीगर रंगों के परचम भी लहरा रहे हैं। दरगाह में दाखिल हो तो अगर बत्तियां और चराग रखे नजर आते हैं। अगरचे आम दिनों में रश कम होता है, लेकिन जुमेरात को हाजिरी देने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है। अकीदतमंदों का मानना है कि यहां रखे चराग का तेल लगाने से मरीजों को शिफा मिलती है, दरगाह पर आने से नजरें बद दूर होती है और बीमारियों का इलाज होता है। गुलशन मेमार में वाकई इसी पहाड़ी पर आपने चिल्ला काटा था और आबादी से दूर इस मजार के आते में पहुंचकर आज भी सुकून महसूस होता है। यही छोटा सा गार है जहां लोग सांपों और बाज नजर ना आने वाली मखलूकात के लिए दूध रखते हैं, और अकीदतमंदों ने सांपों को आकर दूध पीते भी देखा है। सांप, बिच्छू, वो कांटे वाला चूहा, अक्सर यहाँ मगरिब के बाद आप आए आपको यहाँ घूमते हुए नजर आएंगे, कांटे वाला चूहा, सांप, वो भी बिलों में होते हैं, निकलते हैं अपने और चले जाते हैं, बाकी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। कटोरा दूध का रखा हुआ है बिल के पास। अच्छा। वहाँ लोग आते हैं, दूध डालते हैं, सुबह आते हैं देखते हैं कटोरा खाली है। अच्छा। वो पी के चले जाते हैं। 40 साल का अरसा हो गया इसको बाउंड्री को पक्का किए हुए। उससे पहले सिर्फ जो बुजुर्ग थे हजरत अय्यूब अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला ले, आपकी सिर्फ कब्र मुबारक थी, तो यहाँ सिर्फ मुजावर आते थे और यानी के जमात वाले आते थे। तो यहाँ आके फातिहा खानी है वो, फिर उसके बाद हमने ये मज़ार को पक्का करवाया। वसीले का तो जिक्र है कुरान करीम में, क्योंकि अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मेरी बारगाह में वसीला तलाश करो, तो ये तो एक वसीला है। बाकी ये जिंदा वली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम दिल से मानते हैं, हमारा दिल से इकरार है, हम यहाँ आते हैं पानी की ड्यूटी करते हैं, कोई पैसा पाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, ना हम किसी तनख्वाह पे या पानी भरते हैं, ना किसी उस दिहाड़ी पे भरते हैं। बाकी ये है कि बस ये अल्लाह वालों की निगाह करम है, जिंदा वली हैं, औलिया करम अपनी कब्रों में हयात होते हैं, ये तो बात बरहक है। बाज़ लोगों ने बताया कि जिंदा वली हजरत अय्यूब अली शाह बुखारी ने
सांपों का जोड़ा रखा था और न चंदी चुमेरात को कई बार लोगों ने दरबार के अंदर भी सांपों का जोड़ा देखा है। कर दे